अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अजीज़ान इमान। पेंसपोर्ट एल्गन में है, एल्गन छोटा सा शहर है और यहाँ पे हम आए हैं एल्गन कैथेड्रल। ये आपको दिखाते हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग है। वेल, किसी ज़माने में शानदार रही होगी, अभी तो ये खंडरात में तब्दील हो चुकी है, लेकिन स्टिल नक्शोनिगार बताते हैं कि बिल्डिंग शानदार रही होगी। तो मैं आपको व्यू करवाता हूँ। यहाँ पे पोर्ट भी रही है किसी ज़माने में, लेकिन कैथेड्रल स्टिल दे यू गो। ये देखें, इंतहाई शानदार बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ी है। तो ये एल्गन छोटा सा है, छोटा सा एल्गन है और ये लोसी माउथ से अबाउट 7 माइल है। जी हाँ, 7 माइल फ्रॉम लोसी माउथ। ये देखें कितनी शानदार बिल्डिंग है। ऑब्वियसली सराउंडिंग में तो कब्रिस्तान है, लेकिन ये चर्च है और वो सामने इसी का पार्ट है। ये दीवार साथ साथ चल रही है और काफ़ी बड़ी जगह है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनसाइड कैसा है। आई थिंक इसका काम चल रहा है, इनसाइड इसको रेनोवेट कर रहे हैं। वेल, ऐसी बिल्डिंगों को रेनोवेट करना तो इतना आसान काम नहीं है, कई साल लग जाएंगे इसको इसकी शक्ल में लाने के लिए, असल शक्ल में लाने के लिए, क्योंकि वही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा इसमें ना। हाँ, वो सीमेंट वगैरह तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना, वही स्टोन कहीं से लाने पड़ेंगे जहाँ से वो आए हैं। तो यहाँ नीचे एक दरिया भी जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे पोर्ट रही है तो समंदर भी इतनी दूर नहीं है, यहाँ से नज़दीक ही है। चलें पहले मैं आपको दरिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे दरिया जा रहा है और इस तरफ से देखें, ये इधर अच्छा व्यू है। ये देखें, ज़बरदस्त है और पानी फिर वही काला ही है इनवर्नस की तरह, लेकिन ये एल्गन है, इनवर्नस नहीं है। इस साइड पर देखें, ये देखें काफ़ी फ्लो में है रिवर। हमारे यहाँ तो बेचारे उधर इंग्लैंड में ज़रा माठे दरिया हैं, लेकिन इधर ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं और देखें ना वो ब्रिज के नीचे, वहाँ जाके व्यू करते हैं। ये देखते हैं, ये देखें यहाँ पे दरिया का व्यू कैसा है। ये देखें, तो ये है जनाब एल्गन, छोटा सा शहर है और लेकिन ऑब्वियसली सभी कुछ यहाँ पे है। अभी थोड़ी देर पहले रिटेल पार्क देखा है वहाँ पे, वहाँ से पेट्रोल फिल किया है और एस द एलडी बीएनक्यू सभी कुछ है। ये देखें, और वो सामने कैथेड्रल है, अभी उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा लगता है वहाँ से। सो ये है जी म्यूजिकल मैंस, जहाँ पे इनके बड़े मिनिस्टर्स और लॉर्ड्स और वो रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स, ये उनकी जगह थी। ऑब्वियसली अब उनका तो नामो निशान नहीं है, लेकिन ये दीवारें बता रही हैं कि यहाँ पे कभी ज़िंदगी बड़ी रवा दवा थी। अभी शायद वो इधर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कब्रें हैं बड़ी बड़ी, देखें ये कोई आम सादी कब्रें नहीं है। देखें ना कैसे इनको इतना इतना स्टोन लगे हुए इन पे और
ज़बरदस्त है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैथेड्रल, एल्गिन कैथेड्रल, बहुत बड़ी जगह है। और म्यूजिकल मैंस वहाँ मैंने डिटेल वहाँ से ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ बड़े कोई मिनिस्टर टाइप लोग रहते थे। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। अभी डिसाइड किए जी, अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रंट दीवार ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, बाहर से ठीक है। वैसे भी खैर से टिकट लगाए हुए 10 पाउंड पर हेड। तो ये म्यूजिकल मोनेस्ट्री इधर है, वो सामने जो भी आपको दिखाई है, और ये एल्गिन कैथेड्रल किसी ज़माने में था, अब तो ये वो ऊपर एक बंदा गया हुआ है, दो दैट्स इट, ठीक ही है। और ये उसके साथ ही गार्डन है, ये देखें पार्क है ज़बरदस्त, लेकिन ये बिल्डिंग मुझे शानदार, किसी ज़माने में जब ये होगी तो बड़ी शानदार होगी, अभी तो मर चुकी है, लेकिन ये लोग आते हैं देखने के लिए। ये देखें पार्क, शानदार पार्क है। काफी बड़ा पार्क है और ये है जी कूपर पार्क बॉलिंग ग्रीन, ये बाबों के लिए बॉलिंग क्लब है। वो सामने म्यूजिकल मोनेस्ट्री, ये बैरूनी दीवार है उसकी, शायद किसी ज़माने में ठीक ठाक कोई पर्सनैलिटी यहाँ पर रहती होगी। वो सामने दरख्तों के बीचों बीच एल्गिन कैथेड्रल नज़र आ रहा है, नॉट टू बैड, जगह अच्छी है फॉर कपल ऑफ आवर्स स्पेंड यहाँ पे हो सकते हैं। और ये ग्राउंड है जी, क्या है जी, हाँ लॉन्ग टेनिस कोर्ट है जी, 1 2 3 इधर टेनिस कोर्ट है ना। पार्क बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, वो पीछे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी हैं, ये भी लाइनिंग लगा रहे हैं इनको ज़रा। नीचे ऑस्ट्रो ट्रफ पड़ा हुआ है और प्रॉपर बनाया हुआ है इसको, अभी बना रहे हैं आई थिंक। तो ये एल्गिन कैथेड्रल के सामने ही पार्क है जी, अच्छा नाइस और बहुत बड़ा बना हुआ है, जिसमें टेनिस कोर्ट भी है, अभी बन रहे हैं, बॉलिंग क्लब भी है, और ये आई बिलीव क्रिकेट ग्राउंड है। और वो सामने टाउन है, ये पार्क है, ये देखें, और इन दरख्तों के पीछे कैथेड्रल है। वो कोई मोनूमेंट नज़र आ रहा है ऊपर, वो सामने दरख्तों के पीछे, शायद टाउन सेंटर में, अभी देखते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ है तो चक्कर लगाते हैं।
जैसे कि मैंने कहा फॉर कपल ऑफ आवर्स इट्स अ गुड प्लेस, पिकनिक हो सकती है यहाँ पे। कैथेड्रल के बाद यहाँ पार्क पे आ जाएं, और वैसे यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ले लें और पिकनिक करें। ये बच्चे लगे हुए अपनी एक्टिविटीज़। ये गार्डन है जी, बिब्लिकल गार्डन। पहले मैंने राउंड लगाया और पौधे लगा रहे थे यहाँ पे। अच्छा साफ सुथरा छोटा सा गार्डन है जस्ट नेक्स्ट टू दी कैथेड्रल। ये देखें साफ सुथरा है, बेबी सा है। इज देयर एनी फिश इन देयर? Okay. तो जी जनाब, एल्गिन कैथेड्रल से इतना ही। ब्यूटीफुल प्लेस, वेल हिस्टोरिक प्लेस एनीवे, एंड म्यूजिकल मोनेस्ट्री इज देयर। इतना ही जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द प्लेस यू कैन कम फ्रॉम बर्मिंघम। 10-hour ड्राइव, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ मिशन। And you can enjoy, you know, there are so many places, so many beaches. And if weather is nice like today, you will definitely enjoy it. Bye-bye for now. See you in next video. Thanks for watching. Bye. If you like it, don't forget to subscribe and share it. Thank you.